कि देश का 16 छात्र संगठन एक साथ मिलके हम लोग एक कट्टा होके ये प्रोटेस्ट मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं। ये लंबा प्रोसेस है, पहले भी हम लोग किए थे, लेकिन 16 संगठन ये CYSS से लेकर यहाँ पर सभी संगठन यहाँ पर जो उपस्थित थे, आया है अभी CYSS यहाँ पर सभी वामपंथी संगठन उपस्थित थे, नीतीश भाई ये सपोर्ट देने के लिए बोला है, सब संगठन आ रहा है। अभी जब हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इन लोगों का कोशिश है हम लोग को ये प्रोसेस रुका जाए, कैसे रुका जाए ये इन लोगों का चिंता है। दिल्ली पुलिस और ये IB वाले लोग शुरू कर दिया। हम लोग कहना चाहते हैं ये डर हम लोगों को अच्छा लगा। जब हर्षित यहां पर दिल्ली में नहीं, देश के दक्षिण प्रांत में भी, चेन्नई में भी हम लोगों का ये रैली होने जा रहा है। हम लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सारे छात्र संगठन हैं। हम इस देश के एक स्टूडेंट होने के नाते, एक छात्र होने के नाते इस देश की सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में आप लोगों ने छात्रों के लिए क्या किया है। अभी साथियों ने कहा नया शिक्षा नीति के बारे में, जो नया शिक्षा नीति इस देश के सरकार लेके आए हैं, उसके कारण इस देश का जो आम लोग है, जो पिछड़े वर्ग के छात्र है, उनका पढ़ाई लिखाई बंद होने वाला है। हम कह रहे हैं हमें पढ़ाई का अधिकार चाहिए। जो स्कॉलरशिप आप लोगों ने बंद किया है वो स्कॉलरशिप चलाना पड़ेगा। जो MPhil आपने बंद कराया है, MPhil PhD के अंदर छात्रों की जो भर्ती आपने बंद कराया है उसको सही कराना पड़ेगा। हम कह रहे हैं हम छात्र नौजवान हैं, हम धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, इसराइल पैलेस्टाइन कश्मीर के नाम पे वोट नहीं देंगे। हम अपने रोजगार के नाम पे वोट देंगे, हमारी हक अधिकार के नाम पे वोट देंगे। 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव में हम जितने छात्र संगठन यहाँ पे है, हम सारे इस देश के जो छात्र नौजवान है उनसे ये अपील करना चाह रहे हैं कि ऐसे सरकार को हम चुन के भेजे जो सरकार स्टूडेंट के हक की बात करे, जो सरकार इस देश के अंदर वो हर एक बच्चा जो इसलिए स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि उसके बाप के पॉकेट में पैसा नहीं है, ऐसे सारे बच्चों के सपनों के लिए हम सरकार बनाना चाहते हैं। अगले 12 तारीख का जो रैली है वो रैली इस देश का छात्र नौजवानों का रैली है। बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है जिनकी आपस में बहुत सारे मतभेद है, बहुत सारी चीजों पे हम सहमत नहीं होते, पर एक चीज हम समझते हैं कि इस देश के छात्र नौजवान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है वो भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार को हराना है। इस देश के अंदर सेकुलरिज्म, इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का राज, इस देश के अंदर पिछले दबे कुचले जो लोग हैं, महिलाएं जो है उनके अधिकार को सुरक्षित करना है। जिस तरीके से मेरे कैंपस के अंदर, चाहे वो BHU की घटना हो या IFLU की घटना, महिलाओं की जो सुरक्षा है जिसपे बार बार ये BJP की सरकार, वो लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा स्थितियां पैदा कर रहे हैं कि महिलाएं कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर अपना पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे। हम ऐसा सरकार चाहते हैं, ऐसा भारत चाहते हैं जहां पे कोई भी लड़की, चाहे वो पिछड़े वर्ग से हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बुर्का लगाती हो, चाहे वो बिंदी लगाती हो, उसका परिचय कुछ भी हो, उसकी शिक्षा के अधिकार को लेकर कोई सवाल ना खड़ा कर पाए, वो जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाए उसकी सुरक्षा को लेकर कोई सवाल ना खड़ा कर पाए। हम ये उम्मीद करेंगे आपके सबके द्वारा, जितने सारे लोग हमारी बात सुन पा रहे हैं, जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो सारे लोग हमारे साथ जुड़े और 2024 साल इस देश का छात्र नौजवान एक मैंडेट दे, इस सरकार को समझा दे कि वो सारे लोग जो हमारे विपक्ष में खड़े होते हैं, हम भी जब अपना वोट देंगे उनके विपक्ष में हमारा वोट